अध्यक्ष श्री किरण देव जी, मंच में विराजमान सभी हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, सांसदगण, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी और पूरे क्षेत्र से आए देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और मतदाता बंधु, मीडिया के मित्रों, आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से ये पहला विजय शंखनाद रैली का शुभारंभ हो रहा है और इस रैली को मार्गदर्शन देने के लिए हमारे देश के यशस्वी गृहमंत्री जी पधारे हैं, उनका दोनों हाथ से करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। पिछले विधानसभा के चुनाव में आप सभी लोगों ने अथक प्रयास किया, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और भी राष्ट्रीय नेतृत्व सभी आए, यहां पर कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किए और एक असंभव काम को भी आप सब लोग, सभी कार्यकर्ता संभव बना के दिखा दिए। ऐतिहासिक विजय विधानसभा चुनाव में आप लोग दिलाए, इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का भी बहुत बहुत आभार। समय नहीं है इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, आदरणीय गृहमंत्री जी को सुनेंगे। हमारी सरकार अभी 2 महीना की ही है लेकिन मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता से किया है उसको पूरा करने में हम लोग अपना कदम बढ़ा चुके हैं। 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास का निर्णय ले लिए हैं, 2 साल का बकाया बोनस, 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया उनके खातों में भेज चुके हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं, पंपर धान की खरीदी हुई है, 3100 रुपया कीमत दे रहे हैं, अंतर की राशि भी बहुत जल्दी किसानों के खाते में चला जाएगा। महतारी बंधन योजना अगले महीना से हमारी विवाहित माता बहनों के खाता में 12,000 रुपया साल के हिसाब से भेजना शुरू करेंगे। इस तरह से मोदी की गारंटी में जो भी वादा है सबको पूरा करेंगे। मैं आप सब लोगों से चाहूंगा कि आप सभी लोग ये लोकसभा क्षेत्र जहां पर हम लोग विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाए लेकिन ये मोदी जी का चुनाव है, देश की अस्मिता का चुनाव है, इसलिए आप सब लोग आज हमारे गृहमंत्री जी को दोनों हाथ उठाकर आश्वस्त करेंगे कि इस बार जांजगीर क्षेत्र सहित छत्तीसगढ़ का 11 से 11 लोकसभा क्षेत्र जिता के भारतीय जनता पार्टी को देंगे। दोनों हाथ उठाकर विश्वास दिलाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, आज जांजगीर की इस पावन भूमि से छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का आगाज करने के लिए इस देश के लौह पुरुष, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता और देश के एक ऐसे गृहमंत्री जिन्होंने राम मंदिर सहित धारा 370 और अनेक ऐसे बिंदुओं को इस देश में स्थापित करने का प्रयास किया है। मैं जांजगीर की पावन भूमि पर आदरणीय अमित शाह जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इन शब्दों के साथ स्वागत करता हूं कि आपके आने से नीम भी बन गया चंदन है और जांजगीर की इस पावन भूमि पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है, धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए
माता की। क्यों भाई जाजगीर वालों की आवाज को क्या हो गया है? इतने सारे युवा है ऐसी आवाज लगेगी क्या? दोनों हाथ उठाइए। 11 की 11 सीट जीतने का संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, कल ही जिनका जन्मदिन गया है, ऐसे श्रीमान विष्णुदेव साई जी, हमारे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव सिंह जी, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी यहां पर आए हुए, जांजगीर के सांसद महोदय घूराम जी, श्री राजेश मूणत जी, निर्मल सिन्हा जी, और आज इतनी बड़ी सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले मैं पूज्य बाबा गुरु घासीराम जी की पावन धरती पर उनको प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, समय नहीं बचा है, थोड़े लेट हो गए हैं, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। परंतु मैं आज यहां छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तैयारी के लिए विजय संकल्प सम्मेलन में आया हूं। मित्रों, आने वाला चुनाव ये देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव, आने वाले चुनाव देश को पूर्ण विकसित और भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए महत्वपूर्ण चुनाव। भाई और बहनों, मैं छत्तीसगढ़ की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। हम 2014 में आए, 11 में से 10 सीटें आपने भाजपा को दी। 19 में आए, 11 में से 9 सीटें भाजपा को दी, और अभी अभी विधानसभा चुनाव में आए तो आपने छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बहुमती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक नकारा सरकार जिन्होंने ना नक्सलवाद पर लगाम कसी, ना छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय दिया, और लाखों करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार कर छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ अन्याय करने का, उसको भी आपने हटा दिया। और फिर से एक बार विष्णुदेव जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने का काम छत्तीसगढ़ वालों ने किया है। विशेषकर मेरी माताओं बहनों को मैं विशेष प्रणाम कर आभार कहना चाहता। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार 10 साल चली, मोदी सरकार ने 10 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों का कल्याण करने का काम किया है। इस 10 साल में मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को घर में नल से जल देने का काम किया। सिर्फ छत्तीसगढ़ में 38 लाख से ज्यादा घरों में पीने का पानी आजादी के 75 साल बाद पहली बार पहुंचा है। देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का आयुष्य उपचार का पूरा खर्चा
नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है और मेरे छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ भाइयों बहनों को इसका फायदा मिल रहा है। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, उसमें से 38 लाख शौचालय मेरे छत्तीसगढ़ में बने। 75 साल के बाद बहनों को शौचालय की सुविधा मिली। छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में मिलता है। मोदी जी ने गरीब का चूल्हा जलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 36 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 10 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया। और पूरे छत्तीसगढ़ में सभी लोग बताओ भाई, कोरोना के टीके सबके लगे हैं या नहीं लगे हैं? अरे जोर से बोलो, लगे या नहीं लगे? 130 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका देकर भारत और छत्तीसगढ़ को कोरोना से मुक्त बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी ने देश के अर्थतंत्र को आगे ले जाने का काम किया। हमारा देश दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में 11वें नंबर पर था, आज 5वें नंबर पर है। भाइयों बहनों, मोदी गारंटी है, एक बार मोदी जी को फिर से ला दो, हम दुनिया के 3रे नंबर की आर्थिक ताकत बन जाए। मोदी जी ने चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, उसका सम्मान करने का काम किया। 75 साल के बाद पहली बार किसी गरीब आदिवासी बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाकर द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी। ओबीसी को पहली बार संवैधानिक मान्यता दी, 27% आरक्षण दिया, ओबीसी आयोग का गठन किया। और ये सारी योजनाएं जो मैंने बोली है, वो सारी योजनाओं को ओबीसी समाज, आदिवासी समाज और दलित समाज के लिए लागू करने का काम नरेंद्र भाई ने। और इसके साथ साथ आज भारत ने चंद्रयान को चंद्रमा पर भेजा और भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया में 3री बड़ी ताकत भारत बन गया। ये भारत को सम्मान हासिल हुआ। G20 के माध्यम से हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। और इसके साथ साथ मोदी जी ने देश को सुरक्षित भी किया। माताओं, भाइयों, बहनों, कश्मीर के अंदर धारा 370 का नासूर सालों से परेशान करता था, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम। इसके साथ साथ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को दंडित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और मित्रों, मैं तो आज राम के नैनीहाल में आया हूं। ये नाम का नैनीहाल है। 550 साल से रामलल्ला अपने घर में नहीं विराजमान हो पाते थे, मंदिर नहीं बनता। कांग्रेस ने 550 साल से लटके हुए मसले को 75 साल से समाप्त नहीं हो दिया। मोदी जी ने 22 जनवरी को
रामलल्ला के मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कर ये काम भी किया। भाई और बहनों, विष्णु देव जी की सरकार अभी अभी बनी है। हमारे गुजरात में कहावत है, पुत के लक्षण पालने से ही मालूम पड़ते हैं। 2 महीने में लगभग लगभग 30% मोदी गारंटी को विष्णु देव जी ने समाप्त किया। चाहे धान का बोनस देना हो, चाहे अगले महीने महतारियों को प्रणाम करने के लिए हर महीना 1000 रुपया भेजना हो, हर वादे को विष्णुदेव साय जी की सरकार पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाकर चाहता हूं, जो वादा मोदी जी ने किया है वो पत्थर पर की लकीर है। मोदी गारंटी, हर मोदी गारंटी पूरी होगी। भाई और बहनों, ज्यादा समय नहीं है, मुझे तुरंत ही निकलना पड़ेगा, परंतु मैं भी पक्का आदमी हूं, कच्चा आदमी नहीं हूं। इतने दूर से आया हूं तो वादा लेकर भी ही जाऊंगा। मुझे बताओ भाई, छत्तीसगढ़ में एक बार 1 कम कर दिए, 1 बार 2 कम कर दिए, इस बार सभी 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दोगे क्या? जोर से बोलो, दोगे क्या? सभी सीटों पर कमल खिलाओगे क्या? मोदी जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे क्या? मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, संकल्पबद्ध होइए और 11 की 11 सीटों के लिए भाजपा को आशीर्वाद दीजिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, उन्होंने खुद लोगों से पूछा, विजय संकल्प शंखनाद रैली इस बड़े आयोजन में, इससे पहले हालांकि बैठकों के सिलसिले चले, वो कोंडागांव गए हुए थे और अब उन्होंने पब्लिक से ही पूछा, योजनाओं का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीट जीतने का दावा किया। आने वाला चुनाव देश के भविष्य को बनाने वाला चुनाव है, 10 लाख लोगों को पीएम आवास मिले, ये तमाम चीजें उन्होंने गिनाई। आज छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है और यह भी साफ कर दिया कि मोदी की हर गारंटी पूरी होगी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें, पिछले बार प्रचंड जनादेश से कांग्रेस की सरकार बनने के बावजूद भी सिर्फ 2 सीट उनके खाते में आई।